हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लोनी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि स्पाइडर प्लांट का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए और इसका वाटरिंग कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो स्पाइडर प्लांट है उसका प्रोपगेशन कैसे करें, और इसका अगर कोई कीड़े मकोड़े इसमें लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा और एक स्पाइडर प्लांट वैरायटी है। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा वैरायटी का स्पाइडर प्लांट। इसका क्या है, इसमें भी पानी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और पॉटिंग मिक्स तो मैंने कल बता ही दिया, जो जैसा 50% सॉइल लेना चाहिए, 25% सैंड एंड 25% गोबर का खाद लेके आप पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए और इसे लगा दीजिए। उसके बाद वाटरिंग में भी आप जब समर के सीजन में इसको आप डेली वाटरिंग कीजिए। नहीं तो इसका क्या होता है, पानी जब कम हो जाता है ना, इसका ये पत्ता देखिए, पत्ता ऐसे सिकुड़ जाता है, तब आपको पत्ता देख के ही पता चलेगा कि इसमें पानी की कमी है या फिर ठीक है कि नहीं है, ये आपको इसका पत्ता देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस स्पाइडर प्लांट को कैसे डिवाइड करें या फिर कैसे प्रोपगेट करें। तो कल तो बताया था इसके इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स आते हैं, और वो सब हम लोग डायरेक्ट ऐसे कि किसी पॉट में डायरेक्ट हम लोग ऐसे जब रूट निकल जाए तो डायरेक्ट ऐसे, ये एक पॉट ले लेती हूँ, डायरेक्ट इसको यहाँ पे दे दीजिए, और अगर ये 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 डंडी देख रहे हैं ना आप, जो मदर प्लांट से निकल रहा है, इसको आप तोड़ के भी लगा सकते हैं किसी और पॉट में, और नहीं तोड़ के भी डायरेक्ट ऐसे लगा ऐसे रख रख सकते हैं, ऐसे जैसे कि ऐसे ऐसे किसी पॉट में आप ले लो और ऐसे ही रख दीजिए। तब क्या होता है, अगर आप इस डंडी को नहीं निकालेंगे ना, तब इसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा से होता है, मतलब जल्दी होता है। अगर आप इसको तोड़ देंगे तब भी होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है तब। तो इस स्पाइडर प्लांट को आप ऐसे प्रोपगेट कर सकते हैं बेबी प्लांट से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आता है एक्चुअली बेबी प्लांट, लेकिन ये मेरा 10 साल ऐसा हो गया, मैं यहाँ पे इस प्लांट में मेरा इस प्लांट में कभी भी आज तक कभी भी बेबी प्लांट एक भी नहीं निकला, पता नहीं क्यों। लेकिन दूसरों के प्लांट में तो देखता हूँ आता है, लेकिन मेरा इसमें नहीं आया अभी तक, बहुत साल हो गया ये, मैं जब छोटी थी तब से ये मेरे घर में है। तो मैं क्या किया इसमें, बहुत बार मैंने इसको पूरा यहाँ से निकाल लेती हूँ और इसको पूरा डिवाइड कर लेती हूँ, 2-4 हिस्से में डिवाइड कर लेती हूँ, और बाद में दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। मतलब एक प्लांट से आपका बहुत सारा प्लांट इससे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये हो गया प्रोपगेशन मेथड। और एक बात, आज क्या बात करनी थी हम लोग का, पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो आज तक तो मैंने ये इस वैरायटी में हो या फिर इसमें हो, दोनों में कब कुछ भी कीड़े मकोड़े का अटैक देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मिली बाग या फिर ऐसा कोई कीड़े आप देख लो आपके स्पाइडर प्लांट में, तो आप ये कर दीजिए, थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, या फिर मैं क्या करती हूँ, वो मैं मेरे पास वाली में पास घर के पास में ही एक नीम का पेड़ है, वहाँ से मैं तो जो झड़ जाता है पत्ती, वो झड़ जो पत्ती झड़ जाता है वो सब मैं रख देती हूँ, और लीफ कंपोस्ट बना के वो सब इसमें पॉटिंग मिक्स में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। या फिर कभी क्या करती हूँ, वो कच्चा जो नीम पत्ता है उसको उबाल के वो जो पानी है वो पानी का छिड़काव कर देती हूँ बीच बीच में, तब तो। और आज तक एक्चुअली मुझे कुछ भी पेस्ट का अटैक देखा ही नहीं है इसमें, ये सब स्पाइडर प्लांट में। तो ठीक है, तो प्रोपगेशन भी हम लोग ने आज जान लिया और पेस्ट कंट्रोल मेथड भी जान लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।